ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके अभ्यास पुस्तिका रिमझिम भाग दो का अध्याय सात, मेरी किताब। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लास्ट में मेरे लिए कॉमेंट जरूर लिखें। पूरी बुक को जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक स्टोरी है जो आधारित है वीरू नाम की इस लड़की की, जो अपनी आंटी के घर में आती है किसी काम के लिए और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स देखकर वो चौंक जाती है। तो पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। संदेश मीन्स मैसेज, बहन सिस्टर, मौसी आंटी, बैठक ड्राइंग रूम, कदम फुट, अचरज सरप्राइज, किताबें बुक, खाने शेल्फ, साहस ब्रेवरी, हैरानी शॉक, ढेर सारी टू मैनी, पढ़ने रीडिंग, घबराकर ट्रेम्बल, मोटी बिग या लॉन्ग, सुझाव एडवाइस, बस्ते बैग, तीसरी थर्ड, ख्याल इमेजिनेशन, पन्ने पेज, तस्वीरें पिक्चर्स, फुटा स्केल, नापकर मेजर, कागज पेपर मेज टेबल। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू नाम की ये जो लड़की है ये अपनी मौसी के पास यानी आंटी के पास गई, मम्मी की बहन के पास। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो मौसी जी जो हैं आंटी हैं, उन्होंने वीरू को अंदर बुलाया अपने घर में और वहाँ बैठक में इस ड्राइंग रूम में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई, मींस वो एकदम से सरप्राइज हो गई, उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें, तो वो क्या देखकर हैरान हो गई थी, वो वहाँ पर बहुत सारी किताबों को देखकर हैरान हो गई थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी, मीन्स दो शेल्फ थे, दो वॉल थे जिसके ऊपर बहुत सारे शेल्फ बने हुए थे, उसमें बहुत सारी किताबें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही, मीन्स वो अपनी आईज को ओपन ही रखा, उसने वो क्लोज नहीं कर पाई, इतनी सारी बुक्स थी, वो इतना आश्चर्यचकित हो गई थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, मीन्स उसने थोड़ा सा अपने अंदर पूछने के लिए अपनी मौसी से हिम्मत की और पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं, मतलब चिल्ड्रंस के लिए भी कोई बुक्स हैं? मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना और वह वाला, मीन्स दो शेल्फ हैं जिसके अंदर बच्चों के बुक्स हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं, मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गई। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ, यानी वो स्टडी करना चाहती है, उसकी पढ़ना चाहती है तो ले सकती है बुक्स। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं, मीन्स तुम्हारी फेवरेट बुक या तुम जो ज़्यादा लाइक करते हो वो कौन सी बुक्स हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, मतलब वो नहीं जानती उसे कौन सी बुक्स पसंद हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने, उसकी आंटी ने एक किताब निकाली और वीरू को दे दी। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है, मतलब बहुत ही बिग बुक थी इस टाइप की। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद वह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मतलब वो बहुत साइज में लॉन्ग थी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब तुम क्या समझती हो इसके लिए?
वीरू ने किताब के पन्ने पलटे यानी पेजेस को हटाया और फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, मतलब उसके अंदर पिक्चर्स बहुत स्मॉल हैं और यह किताब बहुत पतली है, मतलब बहुत ही उसके अंदर पेजेस कम हैं। मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई बुक सेलेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुटा लेती आना, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मेरे घर को विजिट करो तो तुम अपने साथ एक फुटा मीन्स स्केल लेकर आना। वीरू ने पूछा, फुटा क्यों, मतलब स्केल किस लिए चाहिए? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो मौसी उसे डिफरेंट बुक्स जितनी भी दी, किसी के लिए उसने कहा छोटी है, किसी के लिए मोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, तो मौसी जो है वो उसके साथ जोक कर रही है कि नेक्स्ट टाइम तुम फुटा लेके आना, स्केल लेके आना और मेजर करके अपने हिसाब से अपनी बुक ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो वीरू जो है वो उसको थोड़ा सा अनइजीनेस लगा और वो अपनी माँ का दिया हुआ कागज़ आंटी के यहाँ मेज पर यानी टेबल पर रखी और वहाँ से भाग गई। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। बातें किताब की, बाप रे इतनी किताब। पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, मैंने विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें देखी हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, बस्ते में यानी बैग में, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो आपको अपनी फेवरेट बुक बतानी है। आप इसमें अपनी फेवरेट बुक के नाम और उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने लिखा है आंसर हाँ, मेरे बस्ते में बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कहानियाँ और कविताएँ होती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम भी दिए हैं, जैसे इसमें है नाम था उसका आसमान, यहाँ किसान यानी फार्मर, बजती हुई गेंद मीन्स बॉल है जो साउंड करती है, बंटू मेरा दोस्त। इनमें से आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैंने आंसर में लिखा है, तुम इनमें से कौन सी किताबें पढ़ना चाहोगे और क्यों? मैं बजती हुई गेंद किताब पढ़ूंगी, मुझे जानना है कि गेंद बजती क्यों है, मींस जो बॉल है वो हमेशा खेलने के काम आती है लेकिन ये वाली बॉल तो साउंड कर रही है, तो इसके अंदर ये साउंड क्यों कर रही है ये मुझे जानना है। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। आगे है, मौसी ने वीरू को फुटा लाने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, मौसी ने वीरू को फुटा लाने को कहा ताकि वह किताब को नाप सके। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तुम नीचे दी गई चीजों को किस चीजों से नापोगे? जिसमें एक क्लोथ है, एक वाटर का पॉट है, मैंगो, पेपर एंड टेबल। तो अब इसके आंसर देखते हैं, हम कपड़े को इंच टेप से नापेंगे, आम को बाट से नापेंगे जो वेट करने के काम आता है उसे बाट कहते हैं, मेज को इंच टेप से नापेंगे, कागज़ को फुटे से नापेंगे, क्यों कि ये स्मॉल होता है तो हम स्मॉल साइज थिंग्स को हम फुटे से स्केल से भी नाप सकते हैं, पानी को लीटर से नापेंगे। अगला प्रश्न है, आओ खेले अंतराक्षी। अंतराक्षी जब हम खेलते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी गाना गाते हैं और उसके लास्ट अक्षर से हमें नेक्स्ट गाना गाना होता है। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंतराक्षी खेले, मतलब वर्ड्स के साथ हम अंतराक्षी खेल रहे हैं, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं, मीन्स एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब, लास्ट वर्ड है, लास्ट जो अल्फाबेट है अक्षर है वो है ब, नेक्स्ट ब से ही शुरू हो रहा है बंदर, तो इसका लास्ट है र,
नेक्स्ट वर्ड जो है वो र से ही शुरू होगा, रस्सी। तो इसका लास्ट वर्ड है स, तो नेक्स्ट जो है वो स से शुरू हो रहा है सिर, इसका लास्ट है र, तो इधर मैंने लिखा है राम। म से मछली, ल से लड्डू, ड से डमरू, ये मैंने यहाँ पर क्लियर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपको कोई और वर्ड आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई, मींस वो अपने लिए एक बुक सेलेक्ट नहीं कर पाई। तुम्हें अपनी पसंद की किताबें चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ चुनोगे? आप अपने पसंद की चीज़ें भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है खिलौने, कहानी की किताब, टॉफियां, पेंसिल, केक और फूल। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।